दोस्तों एक तरफ तो वो फैंस सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उसी बीच अब शहनाज गोरगिल को लेकर भी बुरी बुरी खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि शहनाज गोरगिल की हालत में सुधार न आने की वजह से लगातार फैंस परेशान हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि हौसला रख, जिसमें शहनाज गोरगिल दलजीत सिंह के साथ नज़र आने वाली थी, उसका जो ट्रेलर है वो रिलीज़ किया जा चुका है यूट्यूब पर। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए हम अपना प्यार शहनाज गोरगिल तक पहुंचा सकते हैं। शहनाज के इस ट्रेलर को रिलीज़ करते ही करोड़ों फैंस ने इसे पसंद किया है, कई सारे लोगों ने इसे लाइक भी किया है। बता दें कि शहनाज गोरगिल के इस ट्रेलर पर प्यार को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शहनाज गोरगिल काम पर वापसी कर सकती हैं, क्योंकि शहनाज हमेशा ये कहती थी कि वो कभी भी अपने फैंस को नाराज़ नहीं कर सकती। दोस्तों ट्रेलर के अंदर हम देख रहे हैं कि शहनाज गोरगिल एक प्रेग्नेंट लेडी का निभाती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों इस मौके पर हर कोई सिद्धार्थ शुक्ला को बेहद ज़्यादा याद कर रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला की यादों से अभी तक उभर कर सामने नहीं आई है शहनाज, पर इसके साथ साथ फैंस भी ये चाहते हैं कि इस ट्रेलर के बाद वो सिद्धार्थ शुक्ला का फेस का रिएक्शन देखना चाहते थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला भी शहनाज गोरगिल से प्यार करते थे। शहनाज जब भी पब्लिक प्लेस पर सिद्धार्थ से अपने प्यार का अनाउंसमेंट करती थी, उस दौरान सिद्धार्थ काफ़ी प्यारी सी स्माइल देते थे, जिससे इस बात की सहमति हो जाती थी कि सिद्धार्थ भी शहनाज के बारे में वही सोचते हैं जो शहनाज सिद्धार्थ के बारे में सोचती हैं। दोस्तों इस ट्रेलर के रिलीज़ होने के बाद से ही लगातार शहनाज गोरगिल को और ज़्यादा लाइमलाइट मिलनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि फैंस से ये चाहते हैं कि इस ट्रेलर को प्यार दें ताकि शहनाज काम पर वापसी कर सकें और वो एक बार फिर से हंसती खेलती हुई शहनाज उन्हें वापस मिल जाएं। दोस्तों आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन के ज़रिए अपनी राय हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने इस ट्रेलर को देख लिया है हौसला रख ट्रेलर को, तो आप अपने रिएक्शन हमारे साथ कॉमेंट में शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है, इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाह को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।